चमचे ही चमचे हैं इसके अंदर, कोई सा भी ले लें चमचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बना रही हूँ चिकन एग रोल। वैसे तो यहाँ स्प्रिंग रोल कहते हैं लेकिन मैं इसको एग रोल कहती हूँ। लेकिन मैं इसमें डालती हूँ, यूजली लोग डालते हैं लाइक जैसे आई डोंट नो खा डालते होंगे बोनलेस, बट मैं विद बोन डालती हूँ बिकॉज इसका ऑफकोर्स का टेस्ट बहुत बेहतर होता है। सो मैं पहले इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ी सी अदरक डाल के इसको आप गला लें, इतना गला लें कि इसके अब रेशे हो जाएंगे। तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। हड्डी वाला क्यों रख रहे हैं हम, जूसी के लिए? ओह यार ऑफ कोर्स, आपको पता है ये हड्डी का एक अपना टेस्ट होता है, बहुत टेस्ट होता है। बोनलेस मुझे नहीं पसंद। ठीक, हड्डी का अपना एक टेस्ट होता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो बंद गोभी, बंद कैबेज। अच्छा, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ऊपर वाली एक लेयर तो उतार के पहन दी है। अब इसको खोलेंगे और बारीक बारीक काटेंगे, इसको बारीक काटेंगे। कटाई के लिए कोशिश करें बहुत अच्छा सा आपके पास छुरी हो, बहुत अच्छी नाइफ हो, और केयरफुल, बहुत ही अच्छी है वैसे, बहुत तेज है। बिल्कुल पतली पतली बारीक काटना है इसको, बारीक काटना है लेकिन इसको पकाना नहीं है, ये कच्चा ही कच्चा जाएगा या बस ऐसे ही बारीक बारीक आपने काट देना। ठीक, देख लें बारीक बारीक कितना बारीक हो सके, क्योंकि ये कच्चा जाएगा, पकाएंगे तो बहुत पानी छोड़ता है, पता है कभी भी ना पका के इसको। मैंने शुरू शुरू में एक दो दफा किया था, जब बहुत शुरू की बात है तजर्बा, पकाया था लेकिन उसमें बहुत पानी छोड़ा था फिर। तो ये कितना बारीक करें, ये कच्चा ही जाएगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना एग रोल को, तो फिर ये ऑटोमेटिकली अंदर पक जाएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी होकर पक जाएगा। या ये हम वैसे तो हम तो बाजार से लेके आए हैं ये वाली श्रेडेड कैरेट, लेकिन आप जो है घर पे इसको श्रेड कर सकते हैं। और ये है कैबेज, अब हमने मिक्स किया, लेकिन चिकन अभी हमारा गरम है तो कभी भी इसमें गरम चिकन ना मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग गरम गरम मिक्स करेंगे तो ये सब्जी जो है ना बहुत पानी छोड़ देगी और आपके सारे एग रोल जो है ना सब बर्बाद हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसको रूम टेम्परेचर ठंडा करके उसमें, तो फिर आप उसके रेशे निकाल के, फिर मैं आपको बताती हूँ उसके कैसे रेशे बना के उसको मिक्स करना। जी, तो अब मैंने जो है वो चिकन बिल्कुल रूम टेम्परेचर कर लिया है, वो ठंडा हो गया उसके अंदर। जब आपको पता है मैंने पहले काली मिर्चें, नमक और क्या डाला था, अदरक। या मैं आपका इम्तिहान लेना चाह रही हूँ कि आप मेरे साथियों को पता है कि नहीं पता। या मैंने इसमें अदरक डाली थी, काली मिर्चें और नमक डाला था, और अब मैंने जो है वो इसके अंदर कैबेज और जूलियन कटन जो है वो कैरेट्स वो डाल दिए। और अब हम आप अगर इसमें चाहें तो सोया सॉस भी डाल सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। या सो बस लोगों को पसंद है सोया सॉस, मुझे भी खैर पसंद है, तो मेयोनीज भी डालते हैं अगर आपके पास है सोया सॉस तो हम डाल सकते हैं। मेयोनीज नहीं, अंदर इनसाइड भी डालते हैं, वो नहीं डाल सकते आज। लेकिन एक बात बताऊं आपको, देखिए हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है। अगर आपको लाइक जैसे मेयोनीज तो खैर ऑफ कोर्स नहीं डालते, लेकिन जो भी आपने अगर अगर आप थोड़ी सी रेड मिर्चें या जीरा भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वो जितना टेस्ट है वो पास्ता का। देसी टेस्ट डालना चाहें तो फिर सुरख मिर्चें भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं, सारा हमारा टेस्ट है ना। आप अगर इसके साथ जो क्रश पेपर होती है ना वो भी डाल, पिसा हुआ जो पाउडर होता है वो नहीं डालना। जो क्रश पेपर है उसको जब आप फ्राई करते हैं ना तो उसका जो चीजों के साथ उसका टेस्ट मिल के आता है ना, वो उसका टेस्ट ज्यादा आ जाएगा। आप ये मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूं, काली मिर्च थोड़ा दादड़ करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। आपने क्या कर रही हूं, पकी हुई रोटियों को आप ठंडा कर रही हैं और क्या कर रही हैं, मुझे दिखा दो, मैं उनको भी दिखा दें। रीना क्या एग रोल रैप आपको तो पाकिस्तान से है, जगह से जो पट्टी मिल जाती है मिल तो जाती है, इस पे इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसको ऐसे रखना जैसे खत का लिफाफा होता है, इसको ऑलमोस्ट वैसे बंद करना, खैर उसके ऊपर भी लिखी भी लिखा भी होता है, बनी होती है शेप एवरीथिंग। फिर इसको ऐसे करना है, जब ऐसे हो गया फिर खत का लिफाफा बन गया, लेकिन इसके अंदर खत नहीं है, चिकन है। चिट्ठी लेके नहीं, नहीं चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा, हम दोनों मिलके कितना खूबसूरत बनाएगा। अच्छा, ये आपने क्या लगाया इसका भी बताया। ओ या ये हम मैंने किया था जैसे नॉर्मल वो नहीं होता लाइक मैदा, उसके अंदर पानी डाल के तो फिर इसको बिल्कुल पतला कर लें, लई बना ली, लई टाइप बना ग्लू बना ली या, तो ये इसके ऊपर लगाना है। इनको बना के आप ऐसे आप रखते हैं फ्रीजर में ऐसे ही खुला, ठीक है, एक एक करके जब ये फ्रीज हो जाएगा फिर इसको एक एक करके हम जिप्लॉक बैग में डाल देंगे, और जब फ्राई करने होंगे 10-15 मिनट के निकाल के आप बाहर रखें और फिर फ्राई कर दें, और ज़्यादा इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना फिर, नहीं तो वो फ्राई से अच्छे से फ्राई नहीं होते। और ये ज़रा फ्रीज़र ज़रा उल्टा पुल्टा हुआ हुआ है उस पर गौर नहीं करें, स्प्रिंग रोल पे गौर करें। जी,
वेलकम बैक। ये जो हमने फ्रीजर में रखे थे देखें, ये फ्रीज हो गया। ये एक एक करके इनको खोल के रखेंगे तो ये एक एक करके फ्रीज हो गए, ये जम गए हैं, ठीक है। अब इनको उठा के हम जिपलॉक बैग में रखेंगे, फिर फ्रीजर में रखेंगे, ठीक है। ये 12-12, 15-15 के ये पैकेट बने, 3 15-15 के, तो 60 के करीब ये हमारे स्प्रिंग रोल बन गए हैं एक चिकन के साथ, ठीक है। अब ये जो मेहमान आ रहे हैं ये रेडी होंगे, इनको बस ये बैग को फ्रीज़र से निकाला और थोड़ी देर के लिए काउंटर पर रख दिया, और उसके बाद इसको हमने डीप फ्राई करना है जिस तरह समोसे को फ्राई करते हैं, और इसी तरह ठंडे को फ्राई करते जाएंगे तो ये ठीक रहेगा। अगर ये डीप फ्रास्ट किया हुआ और बिल्कुल नरम करके अगर हम फ्राई करेंगे तो सब स्प्रिंग रोल खुल जाता है। ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, वैसे आप भी बनाएं और एक्सपीरियंस देखें कि इस तरह फ्रीज़र से निकाला हुआ 10 मिनट के बाद जब हम फ्राई करते हैं बिल्कुल ठीक से रोल हुआ हुआ फ्राई होता है, नहीं तो वो खुल जाता है, ठीक है। वैसे ये मेहमानों के लिए ऐसे रेडी करके रख दिया और रेडी रहती हैं चीज़ें, और इसी तरह इंशाल्लाह हम रमज़ान में भी बना के रखेंगे। हम 2-3 फ्रेंड्स मिलके ये सब काम करते हैं, और जैसे 50-60 स्प्रिंग रोल बना लिए, 50-60 समोसे बना लिए, सब अपने घर 50-50, 60-60 लेकर जाते हैं, तो ज़रा अफ्तारी के लिए काम आ जाता है। एक समोसा, 2 स्प्रिंग रोल, थोड़ी सी फ्रूट चाट, थोड़ी सी चीज़ें, तो रोज़ा खोलने में अफ्तारी में काम आ जाती हैं इस चीज़ें। और कुछ लोगों को है कि हर चीज़ आप फ्रीज़र में रखती हैं, तो फ्रीज़र में कुछ रखने की चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम रोज़ा खोलते हैं या कोई मेहमान आ जाती है ये चीज़ें बहुत टाइम ले जाती हैं, तो ये बना के फ्रीज़र में रखें तो हैंडी रहता है। ज़रा फ्रीज़र खोलो, चीज़ें निकालो और बना लो, ठीक है।